नमस्कार, आप देख रहे नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वैशाली जिले के लालगंज रजिस्ट्री ऑफिस में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं मारपीट होते देख लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जा रहा है कि जमीन बेचने और खरीदने वालों के बीच पैसों को लेकर बहस हो गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैशाली से हमारे संवाददाता संतोष। संतोष, रजिस्ट्री ऑफिस में दो पक्षों के बीच इस तरह मारपीट हो जाना और मारपीट में जो खबर हमारे सामने आई है कि जमीन बेचने और खरीदने वालों के बीच इस पैसे को लेकर जो बहस हुई थी और इस पर जो वह मारपीट हुआ है, क्या कुछ वहां पर निकलकर सामने आ रहा है? क्या दोनों को हिरासत में लिया गया है क्या? जी ऋतिक, बता दें कि ये मामला तो एक बहुत बड़ा संगीन मामला है कि आपने देखा होगा कि कितने भी बिहार में क्या किसी भी स्टेट में जो सरकारी कार्यालय हुआ करती है वहां पे पुलिस की एक अच्छी खासी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि कोई भी ऑकरेंस पैदा ना हो वहां पे। मगर आप एक देख सकते हैं, ये बिहार सरकार के जितने भी निबंधन कार्यालय है वहां पे सिर्फ एक होम गार्ड की ड्यूटी दी जाती है और आज उसी का एक उदाहरण वैशाली जिले के लालगंज में देखने को मिला। जो दो पक्षों के बीच जमीनी लिखाने रजिस्ट्री करवाने के आरोप को लेकर एक मामला सामने आया जिसमें कि एक पक्ष का आरोप था कि आप पहले से मुझसे पैसे लिए हुए थे बयाना के तौर पे और जमीन आप किसी और को लिख रहे हैं। लेकिन एक जो पहले जिन्होंने पैसे थाम रखा था उनका आरोप है कि आपने जो पैसा दिया उसकी एक समय सीमा होती है, वो समय सीमा समाप्त हो गया, आप अपना पैसा ले जाए और मैं स्वतंत्र हूँ, कहीं भी जमीन किसी को भी दे सकता हूँ। मामला ये नहीं है कि ये मारपीट हुई और ये आरोप प्रत्यारोप लगा, मगर प्रशासन की जो एक होनी चाहिए थी, एक पहल होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं दिखी ऋतिक उस मामले को लेकर। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।